हेलो, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी इंग्लिश का सबसे बेहतरीन कहानी, आर के नारायण वाला, आउट ऑफ बिजनेस। यस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पोयम हमारा खत्म हो चुका है और प्रोज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आउट ऑफ बिजनेस, जो कि लिखा है आर के नारायण ने और जिसका मेन किरदार, मेन हीरो रामा राव है। रामा राव के आधारित पर ये सारा का सारा कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, जिसको मैं समराइज वर्जन में आपको पढ़ाऊंगा। पूरा का पूरा स्टोरी 8-9 पेज का है भाई, इतना तो तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, तो तुम ये कहानी को अपने घर में पढ़ना। ये बुक में ही है, पूरा का पूरा देख लो। ये पूरा का पूरा कहानी 8 पेज का है, 8-9 पेज का है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज समराइज वर्जन में, संक्षिप्त वर्जन में, अपने हिंदी में, अपने वर्ड में समझा दूंगा, ठीक है? इसके लिए आप टेंशन मत करो, हर एक एमसीक्यू को आप क्रैक कर पाओगे। इसके बाद आप समझ जाओगे पूरा का पूरा स्टोरी क्या है। लेकिन आपको मैं फिर भी सजेशन देना चाहूंगा, ये स्टोरी एक बार घर में पढ़ लेना मेरे दोस्त, वर्ड टू वर्ड पढ़ना, लेकिन मतलब एक बार इसको पढ़ लेना, हर एक एमसीक्यू तब क्रैक कर पाओगे, ठीक है? और एक बात, अगर ये बुक चाहिए, ये बुक लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से जाओ और ये बुक को डाउनलोड कर लो। इंग्लिश का सारा लेक्चर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और इंग्लिश का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, एईसी इंग्लिश बोल के लिखा होगा। वो प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे ना, तब आपको सारे के सारे चैप्टर्स का लेक्चर्स मिल जाएगा। सिर्फ इंग्लिश ही क्यों, सीबीएसई, ईएनवीएस, सब कुछ, क्योंकि बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए है। और खैर, फिलहाल बीकॉम सेमेस्टर 1 का सारा सब्जेक्ट ही यूट्यूब में अपलोडेड है। आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रामा राव इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आर के नारायण शॉर्ट स्टोरी। तो प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन हीरो, रामा राव जो थे वो मेन हीरो थे आर के नारायण के स्टोरी में, जो स्टोरी का नाम था आउट ऑफ बिजनेस। रामा राव मालगुड़ी एजेंट थे एक ग्रामाफोन कंपनी में, यानी रामा राव एक ग्रामाफोन कंपनी में काम करते थे एज ए मालगुड़ी एजेंट, ठीक है? He had invested his little inherited money in the company. उन्होंने थोड़ा जो पैसा था, थोड़ा जो वसीयत जायदाद था अपने पूर्वज के दिया हुआ, यानी आपके पूर्वज, आपके दादाजी, परदादाजी कुछ ना कुछ तो छोड़ के गए होंगे ना, वैसे ही रामा राव के भी पूर्वज होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं मतलब इनहेरिटेड मनी। तो अपने पूर्वज के थोड़े बहुत जो पैसे थे उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने अपना ग्रामाफोन कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि वो ग्रामाफोन कंपनी में काम भी करते थे और वो ग्रामाफोन कंपनी में अपने वसीयत जायदाद के थोड़े बहुत पैसे सेव भी कर रखा था, इन्वेस्ट भी कर रखा था, ठीक है? तो हिज बिजनेस हैज बिन रनिंग वेल, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा था। अगले 5 साल तक तो उनके पास अद्धा पैसा था, बहुत पैसा था। उनके पास एक बंगलो था, उन्होंने एक बंगलो भी बनाया था, उनके वाइफ, चिल्ड्रन बहुत कंफर्टेबिलिटी अपना लाइफ जी रहे थे पूरा, उनके वाइफ चिल्ड्रन को कोई भी असुविधा नहीं हो रहा था, उनका चिल्ड्रन लोग बहुत बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ता था, फैशनेबल स्कूल में पढ़ता था एकदम, ठीक है? और उनके वाइफ के पास भी कोई कमी नहीं था, उनके घर में, उनके मतलब कि बंगलों में नौकर चाकर भरे पड़े थे, इतने बड़े इंसान थे वो। His business had been running well for the 5 years to earn him enough money, enabling him to keep his wife and children comfortably. He had built a bungalow and was thinking to buy an old baby car. उन्होंने एक बंगलो बनाया और अब वो सोच रहे थे कि एक ओल्ड बेबी कार खरीदे। ओल्ड बेबी कार का मतलब क्या होता है? 4 सीटर कार, ठीक है? तो इसका मतलब यही है कि उनके पास अद्धा पैसा था, उन्होंने अगले 5 साल में बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, इतना पैसा कमाया था कि उनके बच्चे, उनके वाइफ एकदम कंफर्ट के हिसाब से लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, लग्जरियस लाइफ, ठीक है? उनको किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता था, उनके जो मंगलों में नौकर चाकर भरे भरे पड़े थे बहुत ज्यादा, ठीक है? आइए, लेकिन किसी ना किसी का अब कभी ना कभी किस्मत तो खराब होगा ही। वैसे ही रामा राव को एक दिन अपना जॉब से हाथ धोना पड़ा, अपना काम से हाथ धोना पड़ा, रामा राव का काम छूट गया। क्यों? क्योंकि व्हेन द फैक्ट्री ऑफ द ग्रामाफोन कंपनी इन द नॉर्दर्न इंडिया कोलैप्स्ड,
वो जो ग्रामाफोन कंपनी में काम करते थे ना, वो जो नॉर्दर्न फैक्ट्री में जो उनका मतलब कि ब्रांच था वो कोलैप्स हो गया। ग्रामाफोन कंपनी का नॉर्दर्न इंडिया में जो फैक्ट्री था ना वो कोलैप्स हो गया, कोलैप्स। इस वजह से रामा राव को अपना जॉब से हाथ धोना पड़ा। और रामा राव इन्वेस्ट भी किया था, वो भी गया। जो पैसा इन्वेस्ट भी किया था उस ग्रामाफोन कंपनी में वो भी गया, और अपना जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। ओके, इसके बाद द कंपनी कोलैप्स्ड व्हेन ए बैंक इन लाहौर क्रैश ड्यू टू द बॉम्बेज फाइनेंशियल डेथ। यानी कि उनका जो ग्रामाफोन कंपनी था वो कोलैप्स्ड हुआ क्यों, हुआ क्यों कोलैप्स? क्योंकि बैंक इन लाहौर जो था ना वो क्रैश हो चुका था। तो बैंक इन लाहौर क्रैश इसीलिए हुआ था क्योंकि उनका जो फाइनेंशियर था वो मर गए थे। तो वो बैंक का फाइनेंशियर का डेथ हो गया था, इसी वजह से बैंक इन लाहौर क्रैश हो गया था। और फाइनेंशियर का डेथ कार एक्सीडेंट में हुआ था, फाइनेंशियर कार एक्सीडेंट में मर गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि नहीं भाई, फाइनेंशियर कार एक्सीडेंट में नहीं मरा है, पिछली रात उसकी बीवी, पिछली रात फाइनेंशियर की बीवी कैशियर के साथ भाग गई, कैशियर के साथ भाग गई और ये सदमे को फाइनेंशियर बर्दाश्त नहीं कर पाया, डिप्रेशन में फांसी लगा के मर गया, मतलब सुसाइड करके मर गया, सॉरी। तो डिप्रेशन में सुसाइड करके मर गया, ठीक है। लेकिन ये सब खैर छोड़ो, लेकिन मेन मुद्दे का बात तो यही है, रामा राव गरीब हो गया, रामा राव का नौकरी गया और रामा राव का सारा पैसा भी गया, बिकॉज पैसा भी तो उसी में इन्वेस्ट किया था, ग्रामाफोन कंपनी में ही, ठीक है। तो अब सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ो। रामा राव फाउंड हिमसेल्फ इन द डायर फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पैसे का अभाव पड़ गया उसका। हिज लिटिल सेविंग हैड बिगन टू गेट एग्जॉस्टेड। सेविंग्स कितना दिन चलता है, सेविंग्स भी अब खत्म होने को आया, अब वो घर कैसे चलाएगा, सिंपल सा बात है। तो उसकी वाइफ उसको हेल्प करने का ट्राई की, कैसे, नौकर चाकर जो भी थे उनको निकाल दिया, बोला कि नहीं नहीं अब हम लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे, सॉरी जी। नौकर चाकर जो भी थे, सर्वेंट थे, कुक थे, उनको निकाल दिया, ठीक है। विथड्रॉइंग द चिल्ड्रेन फ्रॉम द फैशनेबल स्कूल, जो चिल्ड्रेन लोग बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते थे ना, मतलब उनमें से उनको निकाल के एक नॉर्मल स्कूल में दे दिया, उनमें से उनको निकाल के एक नॉर्मल स्कूल में दे दिया, ठीक है। सो दे ऑल्सो रेंटेड देयर बंगलो एंड मूव्ड टू ए वेरी स्मॉल हाउस। तो वो लोग क्या किया, अपना जो बंगलो था ना उसको रेंट पे दे दिया और खुद ही एक छोटा सा घर में रहने लगा, खुद एक छोटा सा घर में रहने लगा, बिकॉज गरीबी आ गई है। अब सोर्स ऑफ इनकम आएगा तो आएगा कहां से, उन्होंने सोचा कि बंगलो को ही रेंट पर दे देते हैं, इसका रेंट से कुछ ना कुछ तो चलेगा घर, और अपने लोग एक छोटे से घर में रहते हैं, ठीक है। रामा राव मतलब कि डिस्परेटली लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। रामा राव रोज जॉब की तलाश में जाता था, रोज नौकरी मांगने जाता था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल होता था, उनको नौकरी नहीं मिल पाई। और घर में चिल्ड्रेन बच्चे लोग ना बहुत वेट कर रहे थे कि पापा आएंगे कभी ना कभी, तो पापा गुड न्यूज सुनाएंगे ही। तो एंसियस होप था किसका, चिल्ड्रेन और वाइफ का, हर रोज इंतजार करते थे कि पापा कभी ना कभी तो आएंगे गुड न्यूज लेके, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। उनके पापा को, रामा राव को कभी जॉब नहीं मिलता था, और उनके चिल्ड्रन को फ्रेंड्स भी नहीं था, जो न्यू स्कूल में वो जब गए ना उनका फ्रेंड्स भी नहीं बना, किसका, चिल्ड्रन का। तो यहां पे लिखा है द चिल्ड्रन हैड नो फ्रेंड इन द न्यू स्कूल एंड द वाइफ हैड नो फैसिलिटी फॉर रिक्रिएशन इन द न्यू हाउस। और वाइफ के पास भी कुछ फैसिलिटी नहीं था। मान लो किसी के घर में नौकर चाकर हो और वो नौकर चाकर अचानक से चला जाए, फिर कितना दिक्कत होता है, उसकी वाइफ को भी सारा का सारा बर्डन खुद के मतलब कि सर पर ही लेना पड़ा, सारा का सारा काम खुद ही करना पड़ा। इस वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस थे रामा राव, इस वजह से स्लीपनेस नाइट्स गुजार रहे थे कि कैसे गुजारेंगे, अब क्या चलेगा, अब कैसे चलेगा हमारा घर, इनकम अर्निंग तो आ नहीं रहा है, अब कहां से चलेगा हमारा घर। इसी वजह से रामा राव बहुत ज्यादा टेंशन में थे। तो देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज अ लिटिल रेंट। इनकम कहां से जनरेट हो रहा था, इनकम जनरेट हो रहा था जस्ट वो रेंट के पैसों से, जो वो रेंट लगाए थे बंगलों का, उसी पैसों से उनका घर चल रहा था, इतना ज्यादा मजबूरी आ गया था। रामा राव एक जमाने में जो बहुत ज्यादा रिच हुआ करते थे, अब उनको एक रेंटेड घर में रहना पड़ रहा है, उनको अब एक बहुत स्मॉल घर में रहना पड़ रहा है और रेंट के पैसों से उनका घर चल रहा है, ठीक है, उसका नसीब खराब था। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो रहा है,
रामा राव कम अक्रॉस ए जर्नल ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स. तो क्रॉसवर्ड पजल्स क्या होता है? जस्ट एक सट्टा, सट्टा यानी कि तुम बोल सकते हो लॉटरी. लॉटरी आजकल का जमाना में जैसे मतलब कि लॉटरी है ना, वैसे ही क्रॉसवर्ड पजल बोलते हैं, ड्रीम इलेवन. तो रामा राव को एक दिन एक जर्नल मिला. तो जर्नल मतलब क्या होता है, वो चार पेज का वो जर्नल. तो चार पेज का जर्नल मैगजीन में उन्होंने यहां पे देखा कि क्रॉसवर्ड पजल है. अरे ये क्रॉसवर्ड पजल में तो 4,000 रुपए का इनाम मिल रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए जरा. तो उसको मतलब कि उस पजल का नाम था द कैप्टन, ठीक है, उस पजल का नाम था द कैप्टन, ठीक है, मतलब कि और वो पजल खेल के आप जीत सकते थे 4,000 रुपीज. यानी कि रामा राव को बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं एक काम करता हूं, ये पजल में पैसा लगाता हूं और इनाम तो 4,000 रुपए है, और 4,000 रुपए तो मुझको मिल जाएगा तो मैं बढ़िया सेटल हो जाऊंगा आराम से, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इतना टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है. तो वो लॉटरी के चक्कर में बहक गया, उसका दिमाग थोड़ा सा ब्रेन मतलब कि वॉश हो गया, ठीक है, क्योंकि लॉटरी में उनको 4,000 पर वीक मिलता था, हर वीक मिलता था, और 4,000 उस जमाने के बहुत बड़े अमाउंट हुए. जैसे कि आजकल 1 करोड़ होते हैं, वैसे ही उस जमाने के 4,000 हुए, ठीक है, समझे. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही रिमेन्ड इनग्रोस्ड इन सॉल्विंग द पजल्स फॉर गेटिंग द फैमिली केयर्स. मतलब कि कुछ दिनों तक ना वो एकदम पागल से हो गए, उनका ध्यान सिर्फ पजल पे ही था, फैमिली वैमिली को भूल गए, फैमिली वैमिली को केयर करना छोड़ दिए, और पजल पे ही सिर्फ उसका दिमाग था, और सिर्फ उनको ये लगता था कि किस तरह से इस पजल को मैं सॉल्व करूं, और पजल को सॉल्व करके मैं भेजूं. तो पहले के जमाने में भेजना पड़ता था, पजल को सॉल्व करके भेजना पड़ता था, और नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आता था, ठीक है. उनको लगता था किस तरह से इस पजल को मैं सॉल्व करूं और भेजूं और इनाम लूं, किस तरह से मैं पैसा कमाऊं. इस वजह से उन्होंने फैमिली को केयर करना भी छोड़ दिया था, और पूरा का पूरा ध्यान उनका सिर्फ पजल पे ही था, दिन रात सुबह शाम सिर्फ पजल पे ही ध्यान था. वो एक सप्ताह हारते थे, दूसरा सप्ताह वापस से लगाते थे. मतलब ऐसा नहीं था कि वो जीतते थे, वो कभी जीते नहीं. वो क्या करते थे, सबसे पहले वो हार जाते थे, सेकंड वीक वापस लगाओ पैसा, वापस से हार गए वापस लगाओ पैसा, वापस से हार गए वापस से लगाओ पैसा. इस वजह से वो एडिक्टेड हो गए थे. जैसे ड्रीम इलेवन में आप एक दिन जीतते हो तो उस जीत के चक्कर में आप 10 दिन पैसा लगाते हो, और उस पैसा लगाने के वजह से कभी कभी किसी का गाड़ी बारी गाड़ी सब कुछ बिक जाता है, घर गाड़ी बारी सब कुछ बिक जाता है. तो वैसे ही रामा राव कर रहा था, हर वीक वो 5 रुपए करके इन्वेस्ट कर रहा था, हर वीक वो 5 रुपए करके लगा रहा था लॉटरी पे, और उस लॉटरी लगाने के चक्कर में उनका पूरा का पूरा सेविंग्स मतलब कि चला, मतलब ठीक है. इसके बाद देखो, इसके बाद उनको मिला 8,000 रुपीज का ऑफर. एक दिन वो जर्नल को पढ़े और उन्होंने ये पढ़ के मतलब कि पता लगाया कि 8,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है. तो 8,000 रुपए के चक्कर में उन्होंने अपने वाइफ के साथ झगड़े कर लिए, उन्होंने अपने वाइफ के साथ झगड़े कर लिए कि मुझे 8,000 रुपए जीतना है, इसलिए मुझे 5 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदना है, 5 रुपए दे दो. उनकी वाइफ बोली, हर वीक का क्या है 5 रुपया, आप तो कभी जीतते नहीं हो, इससे क्या होता है, इससे हमारा बजट हिल जाता है, ये 5 रुपए में हम लोग पूरा का पूरा हफ्ता खाना खाते हैं, पूरा वीक खाना खाते हैं ये 5 रुपए में, लेकिन आप ये 5 रुपए को एक दिन में ही गवा देते हो, ऐसा मत करो, लॉटरी के चक्कर में मत पड़ो, आप कभी जीतने नहीं वाले हो, ये सब मतलब कि ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा. लेकिन रामा राव तो बात सुना नहीं. ही सेंड द सॉल्यूशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ मतलब फ्यूचर. रामा राव बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो करके रहूंगा, और पोस्ट से उन्होंने भेज दिया, 5 रुपए खर्च कर दिए और लॉटरी पे पैसा लगा दिया. लेकिन बाद में क्या हुआ जरा ध्यान से देखो. रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड एंड रामा राव ओपेंड द जर्नल एंड फाइंड दैट ही डिड नॉट विन. यानी कि बाद में उनको यह पता चला कि उन्होंने नहीं जीता है, वो भी हार गए, वो 8,000 रुपए भी हार गए, और इसके बाद वो एकदम डिप्रेशन में चले गए. इसके बाद उनका माइंड काम करना मतलब कि बंद कर दिया, और उन्होंने सोचा कि अब मैं सुसाइड करूंगा, बिकॉज अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, सुसाइड. अब मैं सुसाइड करूंगा. तो उन्होंने सोचा कि रेलवे के पटरी के नीचे आ जाता हूं,
और बहुत देर तक उन्होंने पटरी के नीचे ही इंतजार किया कि ट्रेन आएगी ट्रेन आएगी ट्रेन आएगी ट्रेन आएगी, ट्रेन आ ही नहीं रही है, ट्रेन आ ही नहीं रही है, ट्रेन आ ही नहीं रही है। इसके बाद उन्होंने वापस से स्टेशन आया, फ्रस्ट्रेट हो गए थे पूरा कि ट्रेन क्यों नहीं आई, मैं तो मरने गया था, मैं तो शांति से मर भी नहीं पा रहा हूं, ट्रेन क्यों नहीं आ रही है। तो इसके बाद उनको बाद में पता चला कि ट्रेन तो 3 घंटे लेट है, ट्रेन तो 3 घंटे लेट है। उसी वक्त वो रोने लगे और रो के भगवान को प्रार्थना करने लगे, हे भगवान थैंक यू, आपने मुझे बचाया है, मुझे पता चल गया है ये आपका ही करिश्मा है, वरना आज मैं कोई गलत कदम उठा लेता। और शांति से वो घर चले गए। ठीक है, उन्होंने सोचा था कि ये जो 8,000 रुपये मुझको मिल अगर जाते, उन्होंने सोचा था पहले कि ये जो लॉटरी खेल के 8,000 रुपये मुझे जो मिल जाते हैं, इसके बाद मैं अपना वाइफ और अपने बच्चे को वही लाइफ लौटा पाता जो लाइफ में वो रह रहे थे, वो बंगलों में लौटा पाता उनको, और मैं अपना कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से मद्रास जाता और मद्रास जाके अब काम खोजता। लेकिन अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो घर घर गए ये सब काम करने की वजह से। ही वेटेड, अच्छा यहां से पढ़िए, एंड ही सैट डाउन फॉर द डिनर, हिज वाइफ इन्फॉर्मड हिम दैट द मतलब कि टेनेंट हैज ऑफर्ड टू बाय हिज बंगलो फॉर ए गुड प्राइस। इसके बाद जब वो सुसाइड का सोच के, इसके बाद सुसाइड जब नहीं हो पाया, तब वो जो घर गए ना भगवान को शुक्रिया अदा करके, इसके बाद जब वो डिनर के लिए बैठे, उसकी वाइफ उनको बोली कि सुनो जी, वो जो बंगलों में किराएदार रह रहे थे ना, वो किराएदार ना अब ये बंगलो खरीदना चाहते हैं, क्या आप बेचोगे? उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं तो बेचने के लिए रेडी हूँ, कितने में कितने में कितने में कितने में? बोले 5,000। तो 5,000 में वो किराएदार लोग खरीदना चाहते हैं ये बंगलो। वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसमें से आप 4,500 रुपए रख लो। रामाराव बोला अपने वाइफ को, सुनो वाइफ, इसमें से 4,500 रुपए तुम रख लो और बस 500 रुपए मुझे दे देना, बस 500 रुपए मुझे मुझे मतलब कि दे देना। वाइफ ने शक किया, क्यों लॉटरी खेलोगे क्या इसका, वापस तुम लॉटरी खेलने वाले हो क्या? मतलब कि उन्होंने बोला नहीं, ये 500 मैं मद्रास लेके जाऊंगा और वहां पे एक बेटर जॉब खोजने की कोशिश करूंगा, और जब तक वो जॉब नहीं मिल जाता मतलब कि तब तक इस 500 से काम चलाऊंगा, जब तक जॉब नहीं मिल जाता तब तक ये 500 से काम चलाऊंगा। फिर वो मतलब कि डिसाइड करते हैं कि एक बेटर लोकेलिटी में घर लेने का, सिंपल सा बात है, क्योंकि उनका घर जो था ना वो अच्छा लोकेलिटी में नहीं था, एक बेटर लोकेलिटी में घर लेने का सोचते हैं वो। और उन्होंने ये कसम खाई कि आज से कभी भी पजल को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज से कभी भी लॉटरी वगैरह जुआ वगैरह को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस कहानी से हम लोग को सीख क्या मिलती है कि भैया लक पे विश्वास नहीं करना है। लक कभी हम लोगों को 0.1% ही साथ देती है, लेकिन 99.99% हम लोगों को हमेशा मेहनत साथ देगी। काम करो तो मेहनत से, लक से नहीं, कभी कभी भी नहीं। लक कभी लग सकती है हमारी, लेकिन मेहनत अगर करोगे ना तो हर रोज तुम सफल होगे। ठीक है, चलो आगे, अब एमसीक्यूज करते हैं। हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, अब एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। रामाराव का कहानी आप लोगों को कैसा लगा बताइए। आप लोगों का ड्यूटी ये है कि आप लोग ये चैप्टर को 1 by 1 line रीड करोगे अपने घर में, ताकि आप हर एक एमसीक्यू को कवर कर पाओ। मैं एक समराइज्ड वर्जन में आपको समझा दिया, लेकिन यहां के भी एमसीक्यू मैं आपको करवा दे रहा हूं, लेकिन आप क्या करोगे 1 by 1 line रीड करोगे कि कोई बाहर से एमसीक्यू अगर आएगा तो उसको आप संभाल दोगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हु इज द मतलब कि प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस। आउट ऑफ बिजनेस को किसने लिखा है? आउट ऑफ बिजनेस को लिखा है रामाराव ने। सेकंड पढ़ते हैं। रामाराव वॉज द मालगुड़ी एजेंट ऑफ विच कंपनी। कौन से कंपनी का मालगुड़ी एजेंट था रामाराव? ग्रामाफोन कंपनी का। बाद थर्ड, हाउ लॉन्ग डिड रामाराव बिजनेस रन वेल। कितने इयर्स तक रामाराव का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चला? 5 years तक। ठीक है, इसे परा परा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है ना भाई। हाँ, वेयर डिड ही बिल्ट हिज स्मॉल बंगलो? इन द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में उन्होंने अपना स्मॉल बंगलो बनाया। ठीक है, What did रामाराव think of buying an old baby car? एक ओल्ड बेबी कार खरीदने के बारे में वो सोच रहे थे रामाराव।
वेयर डिड द ग्रामाफोन कंपनी हैव इट्स फैक्ट्री, मतलब कि ग्रामाफोन कंपनी का फैक्ट्री कहां पे था? नॉर्दर्न इंडिया में था, तभी तो क्रैश हो गया था ना, तभी तो कोलैप्स हो गया था. इसके बाद व्हाट लेड टू द क्रैश ऑफ द बैंक इन लाहौर, डेथ ऑफ बॉम्बेज फाइनेंशियर. बैंक इन लाहौर में उनका जो फाइनेंशियर था वो मर गया था, इस वजह से बैंक क्रैश हो गया था, है ना. इसके बाद हाउ डिड द बॉम्बेज फाइनेंशियर डाई, तो फाइनेंशियर कैसे मरा? कार एक्सीडेंट में. लेकिन लोग अफवाह क्या फैला रहे थे कि उसकी वाइफ भाग गई, तो वाई वॉज द बॉम्बेज फाइनेंशियर डेथ ही थॉट टू बी एन सुसाइड बिकॉज हिज वाइफ एलोप्ड, यानी वाइफ भाग गई किसके साथ? कैशियर के साथ. यही सब तो है, द बॉम्बई फाइनेंशियल कैशियर, है ना. इसके बाद वाला क्वेश्चन 11, इजी है सब कुछ. वेयर डिड रामा राव शिफ्ट विद हिज फैमिली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, जब गरीबी आ गई, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तब कहां पे शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे थे रामा राव? कहां पे शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे थे? टू ए वेरी स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट, बहुत स्मॉल हाउस में जो मार्केट के पीछे था. What was their only source of income during the मतलब की period of crisis? So only source of income क्या था? Rent from bungalow. Rent from their bungalow से ही उनको क्या मिल रहा था? उनको उनका मतलब की गुजारा हो रहा था, और कोई भी income नहीं था उनका. How old was रामा राव? रामा राव 40 का था, ठीक है, approaching 40 का होने वाला था, just 40 का वो होने वाला था. आगे How did रामा राव's wife and children wait for him? यानी कि हर रोज रामा राव के वाइफ और चिल्ड्रेन मतलब कि उनका वेट कर रहे थे कि पापा आएंगे, गुड न्यूज लेके आएंगे, विथ एंशियस फेसेस. विच काइंड ऑफ नेबर्स डिड रामा राव्स वाइफ हैव इन द एक्सटेंशन? एक्सटेंशन मतलब कि रामा राव के वाइफ को कैसे नेबर्स मिले? फ्रेंडली नेबर. हाउ ऑफन वेर रामा राव्स चिल्ड्रेन गिव न्यू क्लोथ्स, मतलब कि न्यू क्लोथ्स कब मिलता था रामा राव के चिल्ड्रेन को? Once in six month में एक बार, छह महीने में एक बार न्यू क्लोथ मिलता था, ठीक है. आगे अच्छा भैया, जर्नल का नाम क्या था? द कैप्टन. जर्नल का नाम क्या था? द कैप्टन, ठीक है. Where did रामा राव कम अक्रॉस द जर्नल? क्या मतलब कि जुबली रीडिंग रूम से उनको पता चला जर्नल के बारे में. How many pages did the journal have? तो चार pages रहते थे journal में. four pages. What was the special offer that the journal announced? कितने का special offer था बताइए? 8,000 का, 8,000 rupees. Again, how much money did रामा राव अपने wife से कितना पैसा मांगा था उसने? कितना पैसा मांगा था? 5 रुपए, क्योंकि उसको लॉटरी का टिकट भरना था. मतलब कि उस समय कब हुआ, उस समय क्या हुआ जब रामा राव का लॉटरी नहीं लगा? उसने कमिट सुसाइड करने का ट्राई किया, उसने सुसाइड कमिट करने का ट्राई किया, ठीक है. इसके बाद फॉर विच ट्रेन डिड रामा राव वेट एज ही लेट अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स? तो द रे इसका आंसर होगा द ट्रेन ऑफ त्रिकोणी. देखो what did रामा राव मतलब कि कम टू नो एज ही वॉक बैक टू द स्टेशन? उसको क्या पता चला बाद में ए गुड ट्रेन हैज डिलेड एंड ऑल ट्रेन बाय 3 आवर्स. मतलब उसको पता चला कि 3 आवर्स से हर ट्रेन 3 आवर्स से लेट है. What did रामा राव डू आफ्टर ही केम टू नो ऑफ द मतलब की डेरेलमेंट? उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने मतलब की भगवान का शुक्रिया अदा किया. What did रामा राव's wife informs him as he sat down to eat? तो उसको क्या इन्फॉर्म किया रामा राव का वाइफ ने? कि वो जो टीनेंट है वो ऑफर कर रहा है फॉर द बाइंग देयर बंगलो, ठीक है. तो बंगलो को बाय करने के लिए टीनेंट लोग ऑफर कर रहा है, यानी कि जो मतलब कि जिसको भी आपने रेंट पर रखा था उसको बोलते हैं टीनेंट. हाउ मच मनी वुड रामा राव गेट बाय सेलिंग हिज बंगलो? कितना रुपया मिल रहा है उसको?
पूरा ना हाफ थाउजेंड रुपीज, पूरा ना हाफ थाउजेंड रुपीज, इसमें से वो 500 रुपीज रखेगा, ठीक है, इसमें से वो 500 रुपीज रखेगा, कौन, रामा राव, इसमें से वो 500 रुपीज रखेगा। इसके बाद आगे व्हाट डिड रामा राव डिसाइड टू डू फर्स्ट आफ्टर सेलिंग हिज बंगलो, तो फर्स्ट आफ्टर सेलिंग हिज बंगलो उसने क्या डिसाइड किया, मूव टू ए बेटर क्वालिटी। तो सॉरी दोस्तों, एक मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने आपको बता दिया था कि जो घर वो बेचा ना, जो मतलब कि बंगलो बेच के उसको पैसा जो मिलेगा ना, वो 5000 का मिलेगा, मैंने ये गलत बताया था, आपको मिलेगा 4500, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई, 4500 पैसे मिलेगा, उसमें से 500 रुपया रामा राव रखेगा क्योंकि उसको जाना है मद्रास, मद्रास जाके अपना जॉब को खोजना है, और 4000 रुपया जो है वो उसकी वाइफ के पास रहेगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो पूरा का पूरा हम लोग ने आउट ऑफ बिजनेस खत्म कर दिया, आउट ऑफ बिजनेस हम लोग का खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।